कि जल्दी ही लॉकडाउन लगने वाला है और कोरोना वापस आ चुका है, तो डिजिटल होना कितना जरूरी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, हेयर कट के बाद ये मेरा पहला ही व्लॉग है, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। थोड़ा रेस्ट लिया था मैंने और थोड़ा ट्रैवल मिला, घूमने उमने चला गया था, जाके जो कि मैंने स्टेटस में लगाया था, जस्ट ट्रैवल करके एक वीडियो लगाई थी, तो थोड़ा एंजॉय कर रहा था। उसका मैंने ब्लॉग इसलिए मिला क्योंकि गाइस वो ऑफिशियल था, जो मतलब ऑफिशियल प्रोजेक्ट की तरफ से गया था, थोड़ा घूमने फिरने भी गया था और थोड़ा ऑफिशियल मीटिंग्स थी, तो उसका तो ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। बट ये क्या बोलते हैं, आपको हेयर कट कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। काफ़ी मैंने छोटे बाल करवा लिए बस कट, जैसे कि मैंने सोचा था कि बस कट करवाऊँगा, तो मैंने बस ही कट करवाया। तो बता दीजिए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और गाइस, जैसे कि आप सबको सुनने को मिला होगा कि शायद लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, तो अपन को कोई फिक्र नहीं लॉकडाउन लगे कि ना लगे, क्योंकि गाइस अपन का जो पूरा काम होता है वो डिजिटली होता है, ऑनलाइन होता है। पूरा काम हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, पूरा काम अपने मोबाइल से होता है, तो लॉकडाउन का हम लोग के ऊपर तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। हाँ, बाकी जिनका काम ऑफलाइन चल रहा है, जो ऑफलाइन में वर्क करते हैं, जॉब जाते हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर लॉकडाउन दोबारा लगता है तो बस एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से आप सोच लीजिए कि आपको ऑनलाइन आना है कि नहीं आना। क्योंकि गाइस आपने शायद डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो देखी होगी, मैंने उसका वो वीडियो आपको बता दूँ मैं कि 2050 में क्या होगा, पूरे रोबोट्स काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, सब काम रोबोट्स होगा, जितनी भी लोग की जॉब है सब चली जाएगी। गाइस सारा काम अगर हुआ होगा तो ऑनलाइन होगा, डिजिटली होगा। अगर अभी भी आपके पास टाइम है, ऑनलाइन आ जाइए और डिजिटल हो जाइए, अपने बिज़नेस को डिजिटल करिए। जैसे हम लोग ने अपना पूरा बिज़नेस ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, डिजिटल कर दिया, वैसे आप भी अगर आपने अपना बिज़नेस किया तो आप हमारे साथ आगे कोलैबोरेट करके हमारे बिज़नेस में ऑनलाइन बिज़नेस में काम कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तो मैं जा रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक का लॉकडाउन नहीं लगेगा तब तक उनको तो पढ़ाना ही पड़ेगा, कोचिंग तो अपनी चालू रहेगी, क्योंकि पूरा काम तो वो जो पहले बताया मैंने ऑनलाइन होता डिजिटल, तो मेरे पास काफ़ी समय रहता है घर में, खाली फुर्सत बैठा रहता हूँ, तो इसीलिए मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ। बच्चों को मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ाता है, जी पहले बता दूँ, क्योंकि उनकी फ़ीस मैंने इतनी कम रखी है कि हर कोई अफोर्डेबल कर सकता है। जितने में आपको शायद कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ाता उतने में इतने सारे बच्चों को आराम से पढ़ा देता हूँ, और ज़्यादा मैं फ़ीस नहीं लेता क्योंकि मैं उनको पैसों के लिए नहीं पढ़ाता, ये मेरा पैशन है टाइप का समझिए, कि मेरे पास टाइम ज़्यादा रहता है, तो जो मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता था उससे मैं किसी और को कुछ अच्छी खासी नॉलेज दे देता हूँ और उनका भी फ़ायदा होता है और मुझे भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं पैसे, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा पैसा नहीं लेता। और गाइस, जैसे कि आप सबको तक कोरोना वापस आ चुका है, तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करिए, और जब भी घर से बाहर निकले सैनिटाइज़र लेके चले और मास्क पहन के चले। जैसे कि अभी देख सकते मैं मास्क पहना हुआ है, तो गाइस ये मास्क की क्वालिटी थी, मैं क्वालिटी क्या ही बताऊँ, N95 मास्क को भी इसने फेल कर दिया है, क्योंकि लोग कहते नहीं N95 मास्क लगाओ, उसको भी इसने फेल कर दिया, क्योंकि उसमें 3 लेयर ऑफ कोटिंग है और उसके अंदर एक लेयर है जिसमें आप ना कुछ अलग से ऐड कर सकते हैं, जो अभी मैं पहना हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये काफ़ी कह सकते हैं एक मतलब क्या बोलते हैं बहुत क्लासिक मास्क है और उसका एक सैनिटाइजर था वो भी मेरे पास है, बट वो तो अभी मैं घर में भूल आया क्योंकि सैनिटाइजर भी लगा के आ गया था और बाकी मैं घर में भूल आया। और गाइस, अगर आपको भी मास्क और सैनिटाइजर चाहिए हो जितनी भी क्वांटिटी में, 1,000, 2,000, 10,000, 5,000 जितने भी चाहिए हो मास्क और सैनिटाइजर, 10,000, 20,000 आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पर भी, और अपना एड्रेस दे दें ताकि मैं आपको जो आप अपना ऑर्डर दें 10,000, 20,000 जितने हज़ार का मास्क जितने क्वांटिटी में मैं आपको डिलीवर कर दूं। तो गाइस, अगर आपको मास्क चाहिए हो तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करिए, तो मिलते फिर आपसे आगे। सो गाइस, अभी मैं पढ़ा के आ चुका हूँ कोचिंग, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने चाची के यहाँ थोड़ी देर मतलब ऐसे रेस्ट करने, और इसके चलते जल्दी से रेस्ट करते थोड़ी देर, पढ़ा के आया हूँ, तो फिर रेस्ट करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं अंदर ही। और गाइस, मास्क तो ऐसे ऐसे काम है, मास्क जरूर लगाए रखिए, और आपको पीछे का थोड़ा व्यू दिखा दूंगा, ये पीछे करके व्यू है थोड़ा हम लोग के, और जल्दी चलते फिर आपसे मिलते हैं आगे। गाइस, अभी मैं छत पे आया हूँ और अब थोड़ा अपना मास्क हटा दूँ ताकि सही से आप लोग बात कर पाऊँ,
तो गाइस कमेंट करिएगा कि बाल कैसे लग रहे हैं आपको। मुझे तो सही लग रहे हैं छोटे छोटे बाल, और बस कट भी सही लग रहा है। बस आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस अगर जैसे कि मैं सक्रिय में कहता हूँ, अगर आपको भी हमारा बिजनेस के साथ कोलैब करना है, मिलके काम करना है, तो बस लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके लिए क्लिक करिए और अपना डिटेल्स फिल करिए और हमारे साथ मिलके काम करिए। क्योंकि गाइस सबको पता है कि जल्दी ही लॉकडाउन लगने वाला है और कोरोना वापस आ चुका है, तो डिजिटल होना कितना ज़रूरी है। तो गाइस अगर आपको भी हमारे साथ मिलकर काम करना है तो फ्ली नीचे लिंक है, वहाँ क्लिक करिए और हमारे साथ मिलकर काम करिए। बट गाइस फिर वही लोग लिंक में क्लिक करें जो एम्बिशियस है, जो अपने ड्रीम्स को लेके काफ़ी पॉजिटिव है, जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। अगर जिनको 10-15 हज़ार की जॉब करनी है तो अपना आराम से जॉब करें, कोई दिक्कत नहीं उनको यहाँ आने की, बस अपना आराम से जॉब करें अपना। अगर जिसको इसे जॉब से क्या होता है, इस जॉब से सिर्फ घर का खर्चा चलता है और ब्रेड बटर चलता है। ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको मालिक ही बनना पड़ता है, जो कि आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि जॉब करके आप बिजली का बिल और EMI पे कर सकते हैं, ना कि लंबर गिनी खरीद सकते हैं। लंबर गिनी खरीदने के लिए आपको मालिक ही बनना पड़ेगा। तो गाइस बिज़नेस करना है तो गाइस मैं आपको एक्जैक्टली बता दूँ कि जो प्रोजेक्ट है ये एक बिज़नेस है, ये एक टाइप का बिज़नेस जहाँ आपका ना कोई मालिक है, कुछ नहीं, आप यहाँ खुद एक बॉस हैं। आपके यहाँ कोई मालिक नहीं, आप खुद यहाँ बॉस है। आप चाहे जितना अर्न कर दें, जैसा आप काम करेंगे वैसा खुद, क्योंकि आपका खुद का पर्सनल बिजनेस होगा। जैसा आप काम करेंगे वैसा आप कमाए, वैसा आप अर्न करेंगे, वैसे आपकी सैलरी होगी 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जितना आप अर्न कर पाएँ। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में फिर। और गाइस अगर किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे DM या पे मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, स्किन केयर, हेयर फॉल, वेट मैनेजमेंट, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे डायरेक्ट DM या मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि गाइस मैं ऐसे एक्सपर्ट लोगों को जानता हूँ, मतलब ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे बेझिझक कॉल या मैसेज कुछ भी जो आप जो चाहें कर सकते हैं। और मार्क्स स्टैंडर्ड चाहिए तो भी उसके लिए आप मुझे क्या बोलते हैं मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल बनना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। और गाइस मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल के व्यूज़ थोड़े डाउन हो चुके हैं, तो मैंने YouTube को मेल किया था कि क्या मेरे चैनल व्यूज़ क्यों डाउन हो रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि मेरे चैनल में 2 कॉपीराइट क्लेम आया है, स्ट्राइक नहीं, क्लेम से क्या हुआ, तो क्लेम से वैसे ज़्यादा स्ट्राइक से इफेक्ट होता है चैनल, मतलब क्लेम से कुछ इफेक्ट नहीं होता। बट क्या हुआ, मैंने एक वीडियो में सॉन्ग यूज़ कर दिया था आज की पार्टी मेरी तरफ से, तो उसी वजह से क्लेम आ गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी क्लेम जैसे हटेगा आपके चैनल का व्यूज़ फिर से बढ़ जाएगा। तो तब तक का वेट करते हैं फिर जल्दी से अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब लेकिन टेक केयर, गुड बाय। काफ़ सो लोग, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा तो जाकर थोड़ा फॉलो कर ले, फेसबुक मेरा पेज नहीं फॉलो करो तो जाकर थोड़ा फेसबुक पेज फॉलो कर ले, और फेसबुक नहीं फॉलो करो तो वहाँ कर ले, ट्विटर नहीं करो तो वहाँ कर ले, लिंक्डइन करें नहीं कर, जहाँ जहाँ आपने मुझे फॉलो नहीं करा वहाँ जाकर थोड़ा फॉलो कर ले। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग, तब लेकिन टेक केयर, गुड बाय। काफ़ सो लोग, विन सो लो। Oh, oh, oh.